हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे LCD LED TV का यहाँ पे यूनिवर्सल कॉम्बो बोर्ड है। तो इस कॉम्बो बोर्ड में ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसकी जो IC है ख़राब हो चुकी है और ये IC मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। तो इसे मैं किस तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए इसे रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये जो है एम्पलीफायर IC है, तो ये जो है एम्पलीफाई करने वाला है, उसकी जगह पे हम एक बाईपास एक एम्पलीफायर बोर्ड लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे PAM 8403 यहाँ पे जो है एम्पलीफायर बोर्ड है, तो इसे मैं लगाने वाला हूँ। तो ये 5 वोल्ट पे चलता है, ये तो इसका आउटपुट भी अच्छा ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लगाने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरीके से करना है देखें। तो इसे सीधा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे IC है, तो अगर ये IC पे कौन से नंबर पे ऑडियो इन हो रहा है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास होम थिएटर की पिन है। अभी से हम 104 का यहाँ पे हम PF लगाएंगे, तो ये 104 का PF हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो हो जाएगा एम्पलीफायर, तो ये वायर रहेगा यहाँ पे ग्राउंड पर, और ये लगाएंगे हम PF। तो यहाँ पे हर जगह पे चेक करके देखना है ऑडियो आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, हल्का सा आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेकेंडरी PF है, यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हल्के से आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करना है। अगर इसका डेटा शीट नहीं है तो इस तरीके से चेक करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसे मैं बाजू रख दूंगा। तो इसका जो डेटा शीट मेरे पास अवेलेबल है, फिर भी हम देख लेंगे। तो वहीं पर आवाज़ आ रहा है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे जो है 3 नंबर और 8 नंबर पर आ रहा है आवाज़। अगर यहाँ पे आवाज़ नहीं आता था तो यहाँ पे जो है मेन IC जो रहती है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पे जो है जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी वजह से भी ये जो यहाँ पे ऑडियो नहीं आता है। तो ये दो कारणों की वजह से यहाँ पे जो ऑडियो नहीं आता है। तो ये IC पे ऑडियो आ रहा है, मतलब ये एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। तो उसकी जगह पर हम ये बोर्ड PAM 840 लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है 3 नंबर और 8 नंबर पर यहाँ पर हम वायर लगा लेंगे, और तो यहाँ पर 5 वोल्ट का पावर लेके यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है हमने वायर लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और यहाँ पे हम पावर के भी लगा लेंगे। तो ये हमारे पावर के वायर। तो यहाँ पे जो है पैनल की तरफ एक 5 वोल्ट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैनल की तरफ से 5 वोल्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे एक 5 वोल्ट और 12 वोल्ट रहता है, तो 5 वोल्ट पर लगा लेंगे। और ये जो ग्राउंड है कहीं पर भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं USB पे ग्राउंड ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे लेफ्ट राइट निकल चुका है। तो इस बोर्ड पर बीच में जो ग्राउंड देना पड़ता है, पर यहाँ पे जो है ग्राउंड यहाँ पे देने पर पावर में यहाँ पे ग्राउंड मिल चुका है यहाँ पे। तो हमारा एक्स्ट्रा वायर कम हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे फेविक्विक लगा के इसे फिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो देखिये इस तरीके से यहाँ पे जो है अच्छे से पैक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इस पे स्पीकर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा जो है स्पीकर इस तरीके से है। तो ये रहेगा हमारा स्पीकर, तो इसे नीचे रख देता हूँ। अब इसे पावर लगा के देखें हम ऑडियो आता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए तो ये चालू हो चुका है यहाँ पे। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑडियो प्ले हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे CD6283 यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड है गाइस। तो गाइस एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे हम एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो एम्पलीफायर तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारी ऑडियो आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।